चलिए आप सभी को पार्ट टू में स्वागत है पर्सनली 5.7 के। ओके, और पार्ट वन में 1, 2, 3, 4, 5 हमने सॉल्व कर दिया था। पार्ट टू में 6 से लेकर के हम यहाँ पर आ जाओ, 6 से लेकर कहाँ तक, 9, 10 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक जैसा सभी क्वेश्चन है। तो जो लोग पार्ट वन देखे होंगे और थ्योरी देखे होंगे तो उनके लिए तो बहुत ईजी होगा, लेकिन जो पार्ट टू में 6 से जो स्टार्ट कर रहे हैं ये थोड़ा अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम के व्यू से भी, और ऐसे तो लॉन्ग जाएगा ही जाएगा ये 3 मार्क्स, 4, 5 मार्क्स, मतलब कहीं से भी पूछ सकता है, कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछेगा, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी। ओके, सभी बोर्ड का अलग अलग पैटर्न है, लेकिन आपको क्या करना है, नंबर पूछने से मतलब नहीं है, आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ओके, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। ई के पावर एक्स इंटू साइन 5x है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करना है, इसका द्वितीय कोटि का अवकलज बताना है, तो कैसे करेंगे आओ पेज लाते हैं, ध्यान देना, पहले से हम लिख चुके हैं पर्सनली 5.7 पार्ट टू है और क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान देना बहुत ईजी है। क्या करेंगे सबसे पहले मेरे दोस्त, इसको हम मान लेंगे वाई, सबको पता है ना, माना वाई बराबर ई के पावर एक्स इंटू साइन 5x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ठीक है, कर दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है जस्ट इसी तरह से है, तो वो आपको बनाने के लिए देंगे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो वाई है तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब ये देखो मल्टीपल वाला है ना, गुना वाला, तो इसको यू इसको भी कैसे अवकलन करेंगे, यू को बाहर करेंगे तो भी को अंदर ला देंगे, तो डी साइन 5x बटा, यहाँ देखो 5x क्या बन रहा है, बेस, इसको ला देंगे नीचे, तो डी 5x, फिर ये 5x को अवकलन करेंगे तो 5 क्या है, कॉन्स्टेंट, इसको बाहर कर देंगे, तो 5 डी एक्स बाई डी एक्स, गुना वाला है तो बीच में लगेगा प्लस, फिर भी को करेंगे बाहर तो हो जाएगा साइन 5x, फिर यू को अंदर ई के पावर एक्स बटा डी एक्स हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स, साइन 5x है ना, तो साइन का क्या होता है कॉस ना, तो कॉस 5x हो गया इंटू 5 का 5, और डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1, प्लस एक क्या हो जाएगा साइन 5x इंटू ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसमें भी ई के पावर एक्स मिल रहा है और इसमें भी ई के पावर एक्स मिल रहा है, तो क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स कॉमन लिए तो हो जाएगा, बच जाएगा 5 इंटू 1 और कॉस 5x है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 cos 5x, अब प्लस ये साइन 5x बच जाएगा, साइन 5x इतना आ गया, सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, हमें द्वितीय कोटि का अवकलन निकालना है ना, तो द्वितीय कोटि के अवकलन में क्या करते हैं, सबको पता है कि नहीं पता है, द्वितीय कोटि के अवकलन में एक बार अवकलन कर दिए फिर से इसको अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे पुनः पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पहले लिखेंगे, ये लिखना जरूरी है ठीक है ना, एग्जाम में लिखना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ओके, क्या करेंगे, इसको अवकलन करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स को दोबारा जब अवकलन करेंगे तो ये होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब यहाँ से क्या होगा, अब ये देखो ए यू हो गया और ए भी हो गया, यानी यू इंटू भी पर ही भी तोड़ेंगे, तो यू को क्या करते हैं बाहर, भी को लाएंगे अंदर, तो क्या हो जाएगा डी 5 cos 5x अब प्लस साइन 5x अब बटा डी एक्स, प्लस अब क्या करेंगे भी को बाहर कर दो 5 cos 5x प्लस साइन 5x और डी और यू को अंदर ई के पावर एक्स बटा डी एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई
डी एक्स स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर कन्फ्यूज में रहते हैं, ठीक है। आप ध्यान दो, क्या होगा ई के पावर एक्स जे कहते हूँ, इसको क्या करना है अवकलन करना है। तो 5 cos 5x + sin 5x इस टोटल को अवकलन करना है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बारी बारी से, एक बार इसमें अवकलन करते हैं, एक बार इसमें करते हैं, क्योंकि बीच में प्लस है, सब में डी लगाते हैं अलग अलग पहले, ठीक है। तो इसको इनटू में रखेंगे, इसमें लगाते हैं पहले डी, तो 5 cos है तो बाहर निकल जाएगा, तो d cos 5x है ना, 5x अब बटा 5 cos है, 5x बेस बन रहा है तो इसको लाएंगे नीचे, तो ये हो जाएगा d 5x, फिर ये 5 cos है तो बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा dx/dx, अब प्लस फिर इसमें डी लगाएंगे तो ये हो जाएगा d sin 5x, तो यहाँ से बेस बन रहा है 5x, तो इसको लाएंगे नीचे, और फिर इसको अवकलन करेंगे तो 5 cos है तो 5 बाहर, dx/dx इतना हो गया, ठीक है। अब प्लस जो बच गया लिख लो, 5 cos 5x + sin 5x इनटू ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है। अब यहाँ देखो, d²y/dx² ई के पावर एक्स, यहाँ का होगा देखो 5 का 5, कॉस का क्या हो जाएगा -sin 5x, इंटू 5 का 5 dx/dx कितना हो जाएगा 1 + sin 5x का क्या हो जाएगा cos 5x, इंटू 5 का 5 dx/dx कितना हो जाएगा 1, अब प्लस इसको जो कहते हैं लिख लो 5 cos 5x + sin 5x, और इंटू में ना, इंटू मी के पावर एक्स है, इंटू में ऐसे कर लो सबसे अच्छा, ठीक है। बहुत गर्मी लग रहा है यार। अब देखो, अब क्या करेंगे, d²y/dx², यहाँ से क्या हो जाएगा देखना। अब क्या करते हैं कि इसमें ई के पावर एक्स जो है इसको गुना करा देते हैं, मल्टीपल करा देते हैं, ठीक है। मल्टीपल कराओ तो क्या होगा, मल्टीपल करा दे कि ऐसे ही छोड़ दिया जाए, चलो मल्टीपल करा ही देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 ले और 5 ले मल्टीपल कराएंगे, करा ही देते हैं पहले ई के पावर एक्स ज्यों का त्यों लिखो, इसको पहले दोनों को मल्टीपल करो, 5 ले 5 ले करें तो 25 - 25 sin 5x, अब प्लस इसको मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 5 cos 5x, ठीक है। अब प्लस ये क्या हो जाएगा, 5 cos 5x + sin 5x ई के पावर एक्स है, ठीक है। तो अब ई के पावर एक्स इसमें मल्टीपल कराते हैं तो क्या हो जाएगा, d²y/dx², तो -25 क्या होगा, -25 ई के पावर एक्स इंटू sin 5x, अब प्लस इसमें भी 5 ई के पावर एक्स इंटू cos 5x, अब प्लस इसको इसमें मल्टीपल कराएंगे तो क्या होगा, 5 ई के पावर एक्स cos 5x, अब प्लस इसमें भी करा दो ई के पावर एक्स sin 5x, इतना हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, d²y/dx² क्या हो जाएगा, इसको जोड़ घटाओ करो, तो जोड़ घटाओ करो कुछ तो होगा ना, -25 ई के पावर एक्स sin 5x है और ई के पावर एक्स sin 5x है, मतलब ये दोनों एक कास्ट का है, ये माइनस और प्लस, तो क्या होगा घटेगा, तो -24 ई के पावर एक्स sin 5x हो गया, और ये क्या है 5x ई के पावर एक्स cos 5x, और 5 ये भी जोड़ा जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा तो 5 5 10 हो जाएगा, 10 ई के पावर एक्स cos 5x, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यदि इसको आगे बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, ठीक है। पता है कैसे बढ़ेगा, देखो इसको कॉमन लेकर के d²y/dx² बराबर, दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा, दोनों में कॉमन 2 मिल जाएगा, 2 तो मिलेगा ही मिलेगा, 2 ई के पावर एक्स कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा क्या, -12 - 12 sin 5x, और प्लस ये क्या बच जाएगा 5 ना, 10 तो 5 होगा, 5 cos 5x, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है, ये 5 cos x को यहाँ लिख दिया जाएगा
जो माइनस वाला यहाँ लिख दिया जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, सबका साइन सही होना चाहिए। यहाँ माइनस तो माइनस ही होना चाहिए, प्लस तो प्लस होना चाहिए, साइन गड़बड़ नहीं। तो ए भी आंसर हो जाएगा, ए भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या मारना चाहते हो। ओके, बस इसमें क्या था, पेशेंस रखना था। पेशेंस क्या, कि पहले हम वाई मान लिए, फिर उसको अवकलन कर दिए तो इतना आया, फिर उसको इवन टू भी पर तोड़ देंगे दोबारा अवकलन करके। बस अच्छे तरीके से करते रहना, इसमें कुछ है नहीं, बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, जस्ट इसी तरह से बनेगा। देख लो, देख लो, क्वेश्चन नंबर जो 7 है जस्ट इसी तरह से बनेगा। ई के पावर 6x इंटू कॉस 3x है, और यहाँ पर क्या था, ई के पावर एक्स साइन 5x है। बस थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ 6 दे दिया गया और बाकी सब काम वही है, 5 की जगह 3 है। तो आप बना लोगे कि नहीं बना लोगे? नहीं बनेगा, कॉल करके पूछ सकते हो, मेंबरशिप वाले स्टूडेंट, ठीक है, और उनके लिए वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। जो बच्चे मेंबरशिप में जुड़े हैं और नहीं बनेगा तो मेरे को बताना जरूर। ओके, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7 8, 8 को डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि 7 आप लोग के लिए मान लो होमवर्क है, ठीक है। नहीं बनेगा तो मेरे को बताना। 8 नंबर है 10 इनवर्स x है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व होगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्त, इसको मानेंगे, पहले सॉल्यूशन करते हैं, इसको क्या करते हैं, माना y बराबर 10 इनवर्स x है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स बराबर, इसमें d लगा दो तो d 10 इनवर्स x बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स बराबर 10 इनवर्स x का क्या हो जाएगा, क्या था डिफ्रेंसिएशन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यार, बहुत गर्मी हो रहा है, कोई नहीं, चलो पढ़ाना तो है ही, नहीं वीडियो आएगा तो फिर आप लोग कैसे पढ़ोगे बताओ। क्या होगा, इसको u बाई v पर तोड़ दो, ठीक है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको पुनः x के सापेक्ष अवकलन करना होगा ना, तो कर देते हैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो यू बाई वी का फॉर्मूला, पहले क्या करते हैं वी को बाहर, तो 1 + x² को हमने बाहर किया, फिर यू को अंदर, डी वन बाई डी एक्स, अब माइनस हो जाता है, फिर यू को बाहर और यू को अंदर, 1 + x² / dx, अब बटा क्या होता है वी स्क्वायर, तो वी का मान है 1 + x² का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 1 + x² ज्यों कहते हो, और 1 कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का होता है डिफ्रेंसिएशन 0 - 1 का 1, इस दोनों में अलग अलग डी लगाएंगे तो डी 1 / 1 बार डी एक्स हो गया, अब प्लस डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स हो गया, अब बटा 1 + x² के पावर 2 हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे बढ़िए। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 + अच्छा 0 से इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस ये कॉन्स्टेंट 1 है ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा वैल्यू 0, अब प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, अब बटा 1 + x² के पावर 2, यानी फाइनल जो रिजल्ट आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये 0 तो मान लो खत्म, 0 और 2x होगा, 2x और 1 से करेंगे तो -2x होगा, अब बटा 1 + x² के पावर 2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर मैच करा लो, चेक कर लो आंसर कितना आ रहा है। 5.7 क्वेश्चन नंबर कौन सा, यही ना 8 नंबर, देखो आ रहा है, ठीक है। माइनस देखो -2x / 1 + x² के पावर स्क्वायर। ओके, ये तो बहुत तीजी था, आप लोग बना सकते थे, छोड़ देते तो आप लोग भी बना लेते मेरे दोस्त लोग। ओके चलिए आगे बढ़े, 8 हो गया ना,
अब नाइन को देखते हैं। नाइन भी बहुत ईजी है, ध्यान से देखना होगा, ठीक है। नाइन और टेन दोनों एक जैसा है, तो दोनों में से बताओ कौन बना है, आप ही बताओ कौन सा हल कर दें, कौन हल करें, नाइन कर दें, टेन आप कर लेना, ठीक है। नाइन नंबर देखो, लॉग लॉग एक्स, इसको दोबारा ओपन करना है। सबसे पहले इसको मान लेंगे वाई, माना वाई बराबर लॉग लॉग एक्स, इसको हम क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसमें डी लगाइए तो डी लॉग लॉग एक्स, यहाँ से बेस क्या बन रहा है लॉग एक्स, तो इसको लाएंगे नीचे तो डी लॉग एक्स, और फिर इसको अवकलन कर देंगे तो डी लॉग एक्स बटा डी एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर लॉग लॉग एक्स, तो क्या हो जाएगा वन बाई लॉग एक्स हो जाएगा, आई इंटू लॉग एक्स का वन बाई एक्स हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर वन, वन से करेंगे तो वन, अब बटा एक्स ले लॉग एक्स ले करेंगे तो क्या होगा एक्स इंटू लॉग एक्स। ओके समझ में आ गया, अब इसको क्या करेंगे पुनः अवकलन कर देंगे, क्योंकि द्वितीय कोटि का अवकलन करना है, तो लिखेंगे पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसको यू बाई भी पर तोड़ देंगे, तो पहले क्या करते हैं भी को बाहर, तो एक्स इंटू लॉग एक्स डी वन बाई डी एक्स, अब माइनस फिर क्या करेंगे यू को बाहर और भी को अंदर, एक्स इंटू लॉग एक्स बटा डी एक्स, अब बटा क्या हो जाएगा भी स्क्वायर, तो एक्स इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक तो सबको समझ में आती है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा आप लोग मिस्टेक क्या कर देते हो कि यहाँ पर एक्स डी एक्स इंटू लॉग एक्स है, इसको आप लोग डायरेक्ट कर देते हो, यहाँ पर यू इंटू भी का फॉर्मूला लग करके अवकलन होगा, यदि नहीं करोगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स इंटू लॉग एक्स, और वन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो, माइनस ये वन रखो और यहाँ देखो यू इंटू भी पर इसको तोड़ेंगे, तो यू को बाहर तो भी को अंदर डी एक्स बाई डी एक्स, अब प्लस फिर भी को बाहर तो यू को अंदर, ठीक है। अब बाटा यहाँ पर एक्स इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जीरो से इतना से करेंगे तो जीरो कर दिया, माइनस वन, यहाँ से क्या हो जाएगा देखो एक्स इंटू लॉग एक्स का क्या होता है वन बाई एक्स होता है, अब प्लस लॉग एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स कितना वन हो जाएगा, अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखो एक्स इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर, तो ए वाला एक्स और ए वाला एक्स कट गया, अब यहाँ पर क्या होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखो माइनस वन वन अब प्लस लॉग एक्स बटा एक्स इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर, आपका इतना पर भी आंसर हो गया, नहीं तो आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो ऐसे भी कर दो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वन से वन से करेंगे कितना होगा माइनस वन, अब प्लस अब माइनस ये क्या हो जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स अब बटा एक्स इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर, इतना भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका मन यदि इतना पर छोड़ना चाहते हो तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, अब आंसर मैच करा लो, ठीक है। आओ आंसर एक बार आपको दिखा देते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है ना, कौन सा था देखो माइनस वन प्लस लॉग एक्स बटा एक्स इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाओ ए वाला आंसर सही कर रहा है, ठीक है।
यदि आप माइनस को मल्टीपल नहीं कराएंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है, माइनस को मल्टीपल कराएंगे तभी भी ठीक है, नहीं भी कराओगे तभी भी ठीक है, तो आपका दोनों में से कोई आंसर सही है। अब आप क्या करना कि आप इस क्वेश्चन नंबर 10 को खुद से सॉल्व करना, और अगले वीडियो में 11, 12, 13 जो भी है उसको सॉल्व करेंगे। ज़्यादा गर्मी हो रहा है इसलिए अब आगे का वीडियो नहीं बना पा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर 10 को नहीं छोड़ना, आपको खुद से बनानी है, बना लेंगे ना, नहीं बनेगा तो मेरे को बताइएगा, ठीक है। और जो बच्चे मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं मेरे नंबर पर कंटेक्ट हो सकते हैं, कंटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, जय हिंद।